दोस्तों लगभग दो दशकों से मास्टर जी किशिमोटो हम नरूटो फैंस को बहुत सारे मेमोरेबल कैरेक्टर्स दे चुके हैं। स्वागत है आपका दोस्तों स्क्रीन पॉइंट में और आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 मोस्ट पावरफुल नरूटो कैरेक्टर्स के बारे में। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बस इतना बताना चाहते हैं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करें ताकि इस रिलेटेड कोई वीडियो आप मिस ना कर सके। दोस्तों 99 के सितंबर से नरूटो अपने फैंस को 70 से भी ज्यादा वॉल्यूम्स दे चुका है और इसके साथ ही साथ 700 से भी ज्यादा एनिमेटेड टेलीविजन एपिसोड दे चुका है। ये एपिसोड्स और मैंगा के दौरान हमें बहुत सारे नरूटो कैरेक्टर्स देखने को मिल चुके हैं। उन सभी कैरेक्टर्स में से कुछ मेमोरेबल होते हैं तो कुछ विलेन टाइप्स के होते हैं, तो कोई फैंस के बहुत ही फेवरेट कैरेक्टर्स भी होते हैं। और ये सभी कैरेक्टर्स का बहुत ही अच्छा लेवल का पावर होता है और साथ में एबिलिटी भी होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ सवाल ये आता है कि उनमें से सबसे स्ट्रांग कौन है। आपका ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम आपके लिए टॉप 10 मोस्ट पावरफुल नरूटो कैरेक्टर्स का काउंटडाउन लेके आए हैं। अगर इसमें आपका कोई फेवरेट कैरेक्टर छूट गया तो दोस्तों कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट कीजिएगा और हमको बताइएगा। तो दोस्तों इतना टाइम ना लेते हुए चलिए काउंटडाउन स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 माइटी गाय। दोस्तों अगर हम गाय का देखें तो ये नरूटो में एक फिजिकली स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है। जब ये ट्रेन हो रहा था तब ये ज्यादा करके फिजिकल एबिलिटी में ध्यान दे रहा था और ऐसे ही ट्रेनिंग होते होते वो 8 इनर गेट तक एक्सेस कर लेता है। 8 इनर गेट एक्सेस करने की वजह से गाय उन सभी गेट्स को एक एक करके खोल सकता था। अगर गाय उन सभी गेट्स को खोल दिया तो उसका स्पीड, ड्यूरेबिलिटी और फोर्स बढ़ जाता है। इसके बाद ये ऐसा फिजिकल अटैक कर सकता है जो कि दोस्तों वो अपने बेस फॉर्म में रह के नहीं कर सकता है। लास्ट दोस्तों अगर देखा जाए तो नरूटो में नरूटो के कैरेक्टर्स अपनी बॉडी के लिमिट के हिसाब से गेट को एक्सेस कर पाते हैं। अगर हम एक वर्ड में गेट का मतलब देखें तो ये पर्सन का चक्र पैथवे सिस्टम होता है, यानी दोस्तों चक्र मार्ग प्रणाली होता है। अब इसमें 9 पे आता है टोनरी और सासुकी। दोस्तों टोनरी और सासुकी क्लैन के एक मेंबर है जो कि दोस्तों टेंशिंगन गेन किया था और इसके वजह से उसका बहुत ही पावर बढ़ गया था। टेंशिंगन के मदद से एट्रैक्टिव फोर्स को कंट्रोल किया जा सकता है। इसका इतना पावर था कि ये टेलीपोर्ट भी हो सकता है और साथ में अपने बिना आंखों के अर्थ में हो रहे सभी इवेंट्स को देख सकता है। इसके साथ ही साथ ये चक्र प्रोजेक्ट ऑर्ब को कंट्रोल कर सकता है, लोगों को हाइपनोटाइज कर सकता है और साथ में दोस्तों मून का ग्रेविटेशनल फोर्स को भी कंट्रोल कर सकता है। लास्टली ये अपनी कैपेसिटी की मदद से पावरफुल एनर्जी अटैक कर सकता है। अब इस पर 8 पे आता है काकाशी। दोस्तों काकाशी एक शिनोबी है जो कि दोस्तों टीम 7 का टीचर रह चुका है। इसका बहुत ही अच्छा टैलेंट है जिसको दोस्तों हम लास्ट नरूटो मूवी में देख चुके हैं। काकाशी के पास 6 पैच चक्र का पावर होता है जिसकी वजह से वो परफेक्ट शुशानु को एक्सेस कर सकता है। यहाँ पर दोस्तों शुशानु एक ह्यूमनॉइड अवतार होता है जो कि दोस्तों चक्र यूजर के बिहाफ में फाइट करता है। 6 पैच चक्र पावर की वजह से और भी बहुत कुछ होता है जिसकी वजह से दोस्तों इसका रिएक्शन का टाइम का स्पीड बढ़ जाता है। 5 मिनट के लिए कम्प्लीटली गायब हो सकता है और बहुत सारे पोर्टल्स को भी क्रिएट कर सकता है। इसके अलावा ये अपने लाइटिंग ब्लेड की मदद से कामुई को कंबाइन कर सकता है। यहाँ पर दोस्तों कामुई एक स्पेस टाइम निंजासु होता है और दोस्तों देखा जाए तो ये कैरेक्टर नरूटो सीरीज में बहुत ही पावरफुल साबित हो चुका है। अब इसमें 7 पे आता है असुरा और इंद्रा। दोस्तों असुरा भले ही स्लो स्लो अपने पावर को डेवलप किया था लेकिन दोस्तों स्लो सीख के अपने पावर को डेवलप करने वाले बहुत ही एक्सपर्ट होते हैं। असुरा के पास पावरफुल लाइफ फोर्स होता है और काफी स्ट्रॉन्गर फिजिकल एनर्जी भी होता है। ये कैरेक्टर धीरे धीरे सीखते सीखते बहुत ज्यादा स्किल्ड और नॉलेजेबल हो गया था। ये इतना नॉलेजेबल हो गया था कि अपना ज्ञान दूसरों को दे सकता था। लास्ट ये चक्र के होने का एहसास कर सकता है और साथ में छोटे छोटे इंजरीज को भी हील कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ इंद्रा असुरा का बड़ा भाई है। जिसो की मांगेगी और शेरिंगन का स्ट्रॉन्गेस्ट यूजर माना जाता है। इसका इतना पावर होता है कि यह आसानी से लगातार 24 घंटे तक फाइट कर सकता है और बहुत सारे टेक्निक को भी यूज कर सकता है। और दोस्तों देखा जाए तो ये दोनों का पावर सेम ही है और ये दोनों ये नंबर को डेफिनेटली डिजर्व करते हैं। अब इस पर 6 पे आता है मोनोशुके और सासुकी। दोस्तों ये ऑक्टर सुकी का एक मेंबर थी जो कि चक्र को एब्जॉर्ब कर ली थी क्योंकि वो कुछ ऐसा टेबलेट बना सके जिससे कि वो हमेशा स्ट्रॉन्गर और जवान रहे। इसके पास एक यूनिक एबिलिटी भी होता है जो कि दोस्तों इसके हथेली में होता है और वो एबिलिटी का नाम क्रिम्सन रिंगन है। ये एबिलिटी की मदद से मनुष्य की नेचर ट्रांसमिशन का कोई भी फॉर्म को एब्जॉर्ब कर सकती है। दोस्तों इसका इतना कैपेसिटी होता है कि ये ओवर पावर बीजोम को क्रिएट कर सकती है
और वो बम इतना पावरफुल होता है कि पूरे जमीन को तबाह कर सकता है और अपने फुल कुरुमा अवतार की मदद से एडल्ट नारुतो का पसीना निकाल सकती है। इससे दोस्तों आप ये सोच सकते हैं कि ये कैरेक्टर कितनी पावरफुल है। अभी सो 5 पे आता है हमुरा ओत्सुकी। दोस्तों हमुरा कुछ रीजन की वजह से ये नंबर में है। इसके पास ये रिलीज का एबिलिटी है जो कि दोस्तों इसके हथेली में होता है। इमेजिनेशन को कंट्रोल करने के लिए और खाली जगह में फॉर्म को क्रिएट करने के लिए इन स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज करता है। हमुरा अपने ब्रदर हागुमुरु से भी फाइट कर चुका है और दोस्तों ये फाइट 7 महीनों तक चला था। ये कैरेक्टर मून में भी टेलीपोर्ट हो सकता है और बिना कोई प्रॉब्लम की वजह से सर्वाइव भी कर सकता है। यह खास बात यह है कि अपने चक्र को भी किसी दूसरे को दे सकता है। लास्ट हमुरा के पास बैकुगन है और अभी भी जान के सरप्राइज हो जाएंगे कि इसके पास सिक्स पैच चेक मोड है और साथ में ट्रूथ सीकिंग और भी है। और दोस्तों देखा जाए तो इतना सब कुछ एक कैरेक्टर को पावरफुल बनाने के लिए काफी है। अब इस फोर पे आता है नारुतो और सास्के। दोस्तों नारुतो असुरा का पुनर्जन्म है जिसकी वजह से नारुतो के पास बहुत ही पावरफुल चक्र होता है। नारुतो शैडो क्लोन टेक्निक यूज करने में बहुत ही एक्सपर्ट है। इसके अलावा ये हमेशा एक मोस्ट पावरफुल टेल बीस्ट रहा है। आप ये सुनकर हैरान हो जाएंगे कि ये कैरेक्टर का आधा पावर पूरे 5 बीजू बम को आसानी से ओवर पावर कर सकता है। तो दोस्तों आप सोच सकते हैं कि ये कैरेक्टर कितना पावरफुल होगा। यहाँ पर दोस्तों नारुतो का भी सेक मोड होता है और इसके अलावा नारुतो के पास बहुत सारा पावर और टेक्निक भी होता है। वही दूसरी तरफ अगर हम सास्के का देखें तो सास्के इंद्रा का पुनर्जन्म है जिसकी वजह से इसके पास बहुत ही ज्यादा पावरफुल कोल्ड और डार्क चक्र होता है। सास्के आसानी से सुसुनो को एक्सेस कर सकता है और अमाट्रासु का ब्लैक पेन के ऊपर आसानी से कंट्रोल कर सकता है। ओवरऑल देखा जाए तो इसके पास बहुत ही ज्यादा फिजिकल कैपेसिटी होता है और इसका स्पीड भी बहुत ही अच्छा होता है। और तो दोस्तों इसके पास सिक्स पैच चक्र इन रिलीज का पावर भी होता है। लास्ट अगर देखा जाए तो दोनों ही ये पोजीशन को डेफिनेटली डिजर्व करते हैं। अभी उस पर 3 पे आता है हागेमुरु ओत्सुकी। दोस्तों हागेमुरु वही कैरेक्टर है जहाँ से सास्के का रिंगन और नारुतो का सिक्स पैच शिंजीशु आया है। जब हागेमुरु ये दोनों को ये पावर दिया था तब हागेमुरु अभी के मुकाबले थोड़ा कमजोर था, लेकिन अभी तो हागेमुरु और भी ज्यादा पावरफुल हो गया है। इसके हथेली में इंग और यांग दोनों का पावर होता है। यह सोचने वाली बात यह है कि जो पावरफुल कैरेक्टर को पावर दे सकता है तो वो कितना पावरफुल होगा। यह इंटरेस्टिंग वाला बात यह है कि एक बार हागेमुरु मून को क्रिएट करने के लिए कागुया को सील कर दिया था और कागुया को सील करने में हामुरा भी मदद किया था जो कि दोस्तों हागेमुरु का भाई है। यहाँ पर दोस्तों कागुया हागेमुरु की मदर है। यहाँ पर दोस्तों आप सोच सकते हैं कि जो कागुया जैसे कैरेक्टर को सील कर सकता है तो वो कितना पावरफुल होगा। अब इस पर 2 पे आता है मटरा उचिहा। दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि हम हागेमुरु से ऊपर मटरा को कैसे रख दिए, जबकि दोस्तों अगर हम मैथमेटिकली देखें हागेमुरु मटरा से पावरफुल है, बस दोनों में 19-20 का फर्क है। लेकिन इसके पीछे भी कुछ रीजन है जिसकी वजह से हम मटरा को नंबर 2 में लाए हैं। मटरा के पास कुछ ऐसा 2 फैक्टर्स है जो कि दोस्तों हागेमुरु के पास नहीं है। पहला रिंग शरिंगन और दूसरा गॉटरी, जिसकी वजह से ये गॉटरी को मैनिपुलेट कर सकता है। और तो दोस्तों इसके पास अल्टीमेट हीलिंग का एबिलिटी भी होता है। और दोस्तों देखा जाए तो हर तरफ से इसका पावर बढ़ ही जाता है। अगर हम हागेमुरु का देखें तो ना ही ये गॉटरी को एब्सॉर्ब कर सकता है और ना ही इसके पास रिंग शरिंगन का पावर है। और तो दोस्तों मटरा का फाइनल फॉर्म यानी सिक्स पैक मटरा को नारुतो सीरीज में एक मोस्ट पावरफुल फॉर्म माना जाता है। और तो दोस्तों अगर आप डाई हार्ड फैंस हो नारुतो के तो आप जानते होंगे कि मटरा कितना पावरफुल है। तो दोस्तों फाइनली अभी नंबर 1 पे आता है कागुया और सास्के। दोस्तों यहाँ आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए कि कागुया ही नंबर 1 में है। नारुतो में कागुया और सास्के मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर है। नारुतो सीरीज में ये कैरेक्टर सबसे पहले चक्र को यूज की थी और इसको ऑरिजिन ऑफ चक्र के हिसाब से मेंशन किया जाता है और वो खुद से ही टेंटेल को गेन की थी। टेंटेल कागुया और गॉड ऑफ ट्री का एक कॉम्बिनेशन फॉर्म होता है और इसके साथ ही साथ इसके पास गॉड ऑफ ट्री का पावर भी होता है। प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये एक इमॉर्टल है और ये कहीं ना कहीं हिल भी हो सकती है और साथ में सभी चक्र को एब्सॉर्ब भी कर सकती है। इसके अलावा इसके पास और भी एबिलिटीज होता है जिसकी वजह से ये अपने आप को आसानी से प्रूव कर सकती है कि ये कितना पावरफुल है। और दोस्तों इसके पास गॉड लाइक पावर था और वैसे भी दोस्तों ये कैरेक्टर नंबर 1 पोजीशन को डेफिनेटली डिजर्व कर रहा है। तो दोस्तों ये था टॉप 10 मोस्ट पावरफुल नारुतो कैरेक्टर्स के बारे में। दोस्तों ये आपको कैसा लगा और कौन सा कैरेक्टर आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम अब तक ऐसे ही ऑसम कंटेंट पहुंचाते रहेंगे। तो दोस्तों मुझसे वापस मिलते हैं किसी दूसरे नए वीडियोस में।